औरैया में दर दर भटक रही न्याय के लिए दुष्कर्म पीड़िता, मिल रही जान से मारने व वीडियो वायरल करने की धमकी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़ित कहां जाए। ऐसा मामला अजीत मल कोतवाली क्षेत्र का, जहां पहले सीएम ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया और वीडियो बना दिया और वायरल कर और बदनाम करने की धमकी देने लगा। बाद में अपने अन्य साथियों प्रधान पुत्र राहुल व एक अज्ञात के साथ रात के अंधेरे में चोरी से घर में घुसकर नाबालिग के साथ मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। फोन करने पर 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची। दबंग प्रधान समझौता बनाने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं और उचित कार्रवाई नहीं हो रही और पीड़ित न्याय की गुहार लगा रही है। संवाददाता आकाश उर्फ अक्की भैया। हम अपने भाई को लेकर राजस्थान में मिलाना में हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने गए थे पथरी का, तो हमारे घर पे कोई नहीं था, छोटे दो बच्चे थे, एक बच्चा था और हमारे पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वही लोग थे। पिताजी बाहर सो रहे थे और लड़कियां बाहर अंदर सो रही थी। उसी समय ये लोग घर में कूद कर इन्होंने हल्ला मचाया, क्या किया क्या नहीं किया ये हम नहीं बता सकते हैं। जब पिताजी ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला तो दो लोग भाग गए और एक आदमी घर में भीतर घुस गया शिवम करके। तो हमको जब खबर मिली तो मैंने फ़ोन किया कि भाई इन लोगों की इतला लिखा दो, मैं आने के बाद फिर मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा। तो जब दूसरे दिन जब मैं घर पे आया तो लड़की को सांत्वना दी, तब उसने ये सब बयान हमको बताए। फिर मैंने फरियादी की तो इन लोगों ने हमारी फरियादी लिखी नहीं। लिखी नहीं? हाँ। आप कहाँ कहाँ गए एप्लीकेशन को लेके? मैं अजीतमल भी गया, अठरू भी गया, औरैया थाने में औरैया भी गया, कपूर भी गया था एसपी साहब के यहाँ जी। हाँ। एसपी साहब ने क्या कहा आपसे? एसपी साहब ने कहा था कि आप जाओ थाने से, जो भी होगा सब थाने से होगा, मैंने भेज दिया है यहाँ से जी। अब आप क्या चाहते हैं? हमको सर इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी, बस जी। ने गुना किया है उसको बंद कराया जाए, अन्यथा हमको इंसाफ दिलाया जाए। सर 25 तारीख को जब रात में मैं घर पे सो रही थी तो लगभग 10 बजे का टाइम है, मैं रजाई होकर सो रही थी और दो लड़के मेरे घर में घुस आए, पता नहीं छत से होकर कहीं से भी आए हूँ, दो लड़के घुस आए तो रजाई के ऊपर से उन्होंने मुझे दबा लिया, मेरा मुंह दबा लिया, फिर उसने पैर दबा लिया, फिर और सर मेरे साथ गलत काम किया और मेरी फ़ोटो वीडियो जो कुछ बनाई हो और धमकी दी कि अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारी वीडियो फ़ोटो वायरल कर देंगे और तुम्हारे भाई छोटे भाई को तुम्हारे मरवा देंगे और तुम्हारा एक्सीडेंट कर देंगे, तुम्हारा किडनैप करवा देंगे। इस वजह से सर हमने डर की वजह से किसी को बताया नहीं। फिर 31 तारीख को रात में फिर सर 10 लगभग 11 बजे की बात है, मैं सो रही थी रजाई ओढ़ के, तो अचानक से तीन लड़के आए, उन्होंने मुझे मुँह दबा लिया, पैर दबा दिए, इसी तरह से मेरे साथ गलत काम किया, काम किया। मैं सर बोल नहीं पाई, जैसे तैसे मुझे मौका मिला तो मैं अचानक से चिल्लाई, मैंने आवाज़ लगाई बाबा को, तो बाबा ने कहा बेटा गेट खोलो। जैसे ही मैं गेट खोलने गई तो दो लड़के तो भाग के छत से निकल गए, जिनमें से एक राहुल था और एक शिवम था। इन्हीं दोनों लोगों ने मेरे साथ सर गलत काम किया, तो राहुल और एक और जो लड़का था उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो तो छत से होकर भाग गए, लेकिन जो शिवम नाम का लड़का था वो जाकर मेरे कमरे में जाकर सबसे अंदर वाले कमरे में जाकर छिप गया। जब बाबा आए उन्होंने देखा तो वो अंदर वहीं बैठा था, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो बाबा को धक्का मारकर वो अचानक से भाग गया सर। आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसमें आपने एक ही का नाम लिया था, दूसरे का नाम क्यों नहीं लिया था? सर वो उन्होंने धमकी दी थी, मुझे कहा था अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, तुम हमारे भाई को मरवा देंगे। इसके डर की वजह से सर मैंने किसी को बताया नहीं, वो कह रहे थे मेरे पापा प्रधान है, देखो क्या कर लोगे आप, इसलिए सर मैंने बताया नहीं। अच्छा, वो दबंग किस्म के आदमी है? हाँ सर जी जी।